हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे पास्ता आलियो ओलियो। अगर आपको पास्ता पसंद है तो डिश आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही कम सामान में फटाफट बन जाती है, ना ही वाइट सॉस की ज़रूरत होती है ना ही रेड सॉस की। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आप कोई भी पास्ता ले, मैंने एक कप पेने पास्ता लिया है। इसे 90% तक हमें कुक करना है। 90% कुक होने के बाद इसे ठंडे पानी से धो ले जिससे चिपके नहीं, और जो ये पानी है पास्ता का इसे फेंकिएगा नहीं, इसे हम यूज़ करेंगे आगे। नेक्स्ट आपको लहसुन की कलियाँ लेनी है, करीब 15 से 20। लहसुन इस रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे इस तरह से पतला पतला ही स्लाइस करना है। नेक्स्ट आपको लेना है इटालियन हर्ब। वैसे आलियो ओलियो पास्ता में पार्सले का यूज़ होता है, बट बेसिल से भी पास्ता में फ्रेशनेस आती है, तो जो भी अवेलेबल हो आप वो लीजिए। नेक्स्ट मैंने टॉपिंग के लिए चेरी टोमेटोज लिए हैं। इससे पास्ता में एक वाइब्रेंट कलर ऐड होगा। आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग्स ले सकते हैं या फिर बिना टॉपिंग्स के भी ये पास्ता बना सकते हैं। अब एक पैन को गरम करके उसमें डालें 3 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें स्लाइस किए हुए गार्लिक डाल दें, और गार्लिक को बिल्कुल धीमी आंच पे आपको फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, वरना ये बिटर टेस्ट देंगे, और अगर वाइट ही रह गए तो इसका फ्लेवर पास्ता में नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आलियो का मतलब है गार्लिक और ओलियो का मतलब है ऑलिव ऑयल। इस टेक्निक से इन दोनों का ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर इस पास्ता में आता है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाला है, और अब चेरी टोमेटो डाल देंगे। चेरी टोमेटोज को ज़्यादा कुक नहीं किया जाता है, बस हल्का सा ऐसे स्टर कर दें, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस समय गार्लिक और ऑलिव ऑयल की पूरे किचन में। आप भी ज़रूर बनाएं ये डिश। अब इसमें डाल दें कुक्ड पास्ता, चॉप बेसिल लीव्स, 2-3 पिंच काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा पास्ता का वाटर। इससे इमल्सिफिकेशन होगा और इस डिश का टेक्सचर थोड़ा क्रीमी और लेस ऑयली होगा। तो इस पानी के सूख जाने तक हमें इसे चलाते रहना है तेज आंच पे। तो ये पानी सूख चुका है और ये पास्ता बनके बिल्कुल रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा चीज इसमें स्प्रिंकल करें और गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आप पास्ता लवर हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आई नो आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।